लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन का कैसे होता है। उसमें चार सिस्टम में बांटा गया था, एक फील्ड सिस्टम था, आर्मेचर सिस्टम था, कम्यूटेटर था, ब्रश एंड ब्रश गियर था। आज ये जो फील्ड सिस्टम और आर्मेचर का कनेक्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कितने तरीके का टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, तो फील्ड जो हम लोग फ्लक्स जनरेट करते हैं दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, एक तरीका वहां पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट लगा दें। दूसरा क्या हो सकता है, फील्ड कॉइल को हम लोग एक्साइट करेंगे। किससे, तो सम एक्सटर्नल सोर्स। से तीसरा तरीका क्या हो सकता है, जो हमारा फील्ड कॉइल होगा, फील्ड कॉइल एक्साइटेड होगा बाय द जनरेटर इटसेल्फ। यही तीन तरीका हो सकता है हमको फील्ड कॉइल को एक्साइट करने का। या तो हम क्या करेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट लगा देंगे, या तो फील्ड कॉइल को किसी एक्सटर्नल डीसी सोर्स से सप्लाई करेंगे, या तो हमारा फील्ड कॉइल किससे एक्साइट हो, जनरेटर जो जनरेट कर रहा है उसी से एक्साइट हो। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा कि हम फ्लक्स को वैरी नहीं कर सकते हैं, वो फ्लक्स हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा जहाँ जब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से करेंगे सप्लाई, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक डिजायर्ड जो भी हमको फ्लक्स चाहिए हम उसको वैरी कर सकते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, अब देखते हैं थोड़ा सा। सर हाँ सर वो अब्दुल मलिक सर वेटिंग रूम में सर। ठीक, हम डाल कर दे रहे। ठीक है, जो अब क्या है कि जो डीसी जनरेटर है हमारा, इस जो हम लोग देखें तो इससे क्या हो सकता है, दो तरीके का एक्साइटेशन हो सकता है। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। जो यहाँ पे सेपरेटली कौन सा हो गया, ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, ये हो गया मेरा सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। फिर जो ये होता है हमारा सेल्फ एक्साइटेड को हम लोग तीन भाग में तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है सीरीज वाउंड, एक होता है शंट वाउंड और एक होता है कंपाउंड वाउंड। कंपाउंड वाउंड को भी दो तरीके का होता है, एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट, ऐसे चीज। ठीक, ये जो हम बनाए हैं, ये समझ में आ रहा है कि डीसी जनरेटर जो हमारा होता है वो दो तरीके, मतलब से एक तो परमानेंट मैग्नेट से हम एक्साइट कर सकते हैं, और दूसरा क्या होगा, एक होगा कि हम एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करें उसको एक्साइट करेंगे फील्ड वाइंडिंग को, या तो जनरेटर जो जनरेट कर रहा है उसी से हम एक्साइट करेंगे। तो यहाँ पे अब देखो, जो डीसी जनरेटर हमारा है कितने तरीके का हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, एक और आ जाएगा परमानेंट एक्साइटेड, तो उसको हम लोग यहाँ नहीं दिखा रहे। यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड का फिर तीन पार्ट होगा, शंट, सीरीज, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होगा, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। एक्चुअली ये नाम से घबराना नहीं है, है कुछ नहीं, बहुत छोटा छोटा चीज है जिसको हम लोग एक एक करके भी देखेंगे और तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये नाम याद रहेगा सभी को। यस सर। क्या क्या है, डीसी का सेपरेटली एक्साइटेड, एक में हम सेपरेट एक्साइट करते हैं, एक को जनरेटर खुद एक्साइट करता है, तो सेपरेट और सेल्फ। सेल्फ में क्या होगा, सीरीज शंट, कंपाउंड। कंपाउंड का क्या होगा, लॉन्ग और शॉर्ट शंट। तो इतना याद रखते हैं। तो हम लोग पहले सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो एक्साइट कर रहे थे, एक्साइट किसको कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग? आर्मेचर किसकी बात कर रहे हैं, फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल की बात कर रहे हैं, हमको यहाँ फ्लक्स जनरेट करना है।
समझ में आ गया? तो जो फ्लक्स जनरेट करना है हम उसको फील्ड वाइंडिंग बोल रहे थे, एक्साइट करते हैं फील्ड वाइंडिंग को जनरेटर में। तो ये देखो मेरा ये आर्मेचर बना लिए, यहां ब्रश लगा दिए, यहाँ पे किसी भी लोड को सप्लाई देगा जनरेटर है तो ठीक। यहाँ पे हम फील्ड बनाए, अब हम अगर सेपरेट एक्साइट बोल रहे हैं तो फील्ड वाइंडिंग का और आर्मेचर वाइंडिंग का कोई भी एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर सेपरेट एक्साइट की बात एक बार नहीं बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, अगर हम सेपरेटली एक्साइटेड की बात करेंगे तो हमारा ये जो आर्मेचर है, हम जो फिगर बनाए हैं इसमें ये आर्मेचर है, ये मेरा फील्ड वाइंडिंग है। इस फिगर में कहीं दोनों के बीच में एक दूसरे से कनेक्शन दिख रहा है फील्ड और आर्मेचर का? नो सर। तो सेपरेट एक्साइट में फील्ड वाइंडिंग को हम ये देखो यहाँ एक प्लस माइनस जो लिख रहे हैं, यहाँ एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है, उससे सप्लाई दे रहे हैं ठीक है, और यहाँ एक तेरा एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस है जिसकी वजह से हम वैल्यू को चेंज करेंगे ठीक है करेंट। तो अब क्या है कि हमारा फील्ड और आर्मेचर का एक दूसरे से कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल डीसी सोर्स से फील्ड को एक्साइट करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, जैसे वो बैटरी हो सकता है, कोई जनरेटर हो सकता है, तो इनको क्या कहा जाएगा? ये हमारे सिस्टम को सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ठीक है। समझ में आ गया? अब एक चीज देखो, इसमें कुछ कुछ इक्वेशन हम लोगों को निकलना चाहिए। ये अगर मान लो जो आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा ठीक है, आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा, करंट को किससे? आई से दिखाते हैं, तो हम यहाँ छोटा सा एक सब्सक्रिप्ट में ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आर्मेचर करंट। अगर फील्ड में करंट बहेगा तो हम इसमें आई एफ यूज करेंगे, अगर लोड में जो करंट बहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? आई एल। ये तीन चीज याद रहेगा, सभी को याद रहेगा ये तीन। आर्मेचर में जो करंट बहेगा उसको आईए बोलेंगे, फील्ड में जो करंट फ्लो करेगा उसको आईएफ कहेंगे, लोड में जो करंट बहेगा आईएल कहेंगे। इस फिगर में अब देखो, जो मेरा आर्मेचर है वो सीरीज में किससे करंट है कनेक्टेड है? लोड से कनेक्टेड है। यस सर। तो अब क्या होगा? सेम करंट जो मेरा आर्मेचर में करंट बहेगा वही करंट मेरा लोड में बहेगा, उसको हम लोग क्या आई मान सकते हैं? कोई दिक्कत? मेन करंट सर। नो सर। ठीक, अब देखो ये जो मेरा वोल्टेज हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये वोल्टेज किसके अक्रॉस है? लोड के अक्रॉस है। आर्मेचर में रेसिस्टेंस होगा, आर्मेचर में अगर कॉइल है तो रेसिस्टेंस होगा ना? यस सर। तो एक चीज हमको समझा दो, रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है? होता है, नहीं होता है? होता है। तो इस भी इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला होता है? आई आर होता है, शायद यही होता है। अभी हम क्या समझाए थे, अगर हमारा आर्मेचर करंट के चलते होगा तो यहाँ आई ए कर देंगे और आर्मेचर रेसिस्टेंस तो आर ए कर देंगे। इसको फिर से हम लिखते हैं, मान लो आई ए आई आर होता है, मान लो अगर यहाँ आर्मेचर करंट के चलते होगा तो आई ए और आर्मेचर रेसिस्टेंस होगा तो आर ए लिख देंगे। Yes, नहीं? अगर हम बोलेंगे फील्ड के चलते ड्रॉप हो रहा है तो आई एफ लिखेंगे और यहाँ आर एफ लिखेंगे। Yes, sir. ये चीज समझ में आ गया? तो अब देखो, जो यहाँ जनरेटर पहले जो जनरेटिंग वोल्टेज बड़ा होगा, एक चीज बताओ, अगर हम जनरेटर का क्या काम है? जनरेट कर रहा है। जनरेट को हम दिखाते हैं ईजी, जनरेटेड ईएमएफ। ईजी का फुल फॉर्म क्या हो गया? जनरेटेड ईएमएफ। तो जो जनरेट कर रहा है वो बड़ा होगा या डिलीवर कर रहा है वो बड़ा होगा? मतलब यहाँ जो पहले मेरा जनरेट हो रहा है यहाँ पे ईजी, इसके बाद हम सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या होगा हमारा ईजी जो हम मैक्सिमम जो जनरेट किया माइनस आर्मेचर
रेसिस्टेंस ड्रॉप हटा दिए इक्वल टू वी, ये इक्वेशन बन गया। यस सर। सर हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा जनरेट हो रहा है यहाँ पे, जो आर्मेचर में मेरा जो भी यहाँ जनरेट हुआ है, ठीक है, मान उसी से ना हम माइनस होगा तुम्हारा आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप। यहाँ पे जो मेरा जनरेट हुआ है इस जगह आर्मेचर में, ईजी जनरेट हुआ और आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप तो जितना जनरेट हुआ इसी से ना हम माइनस करेंगे IRA, तो बचा हुआ क्या होगा इस अक्रॉस टर्मिनल के मिलेगा हमको भी यहाँ पे। समझ में आया बात? ठीक है। पावर जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? पीजी इक्वल टू जितना ईजी आई होगा, आईए होगा, येलो नहीं क्लियर दिख रहा है ना, आईए होगा। पावर डिलीवर्ड क्या होता है? पी इक्वल टू वी आई होता है। यस सर। यस सर। और अगर ये एसी है तो यहाँ कॉस फाई लगेगा, लेकिन हम डीसी के बाद वी आई है, तो वी यहाँ क्या है, ईजी है जनरेटेड, आईए हो गया आर्मेचर। पावर डिलीवर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीवर्ड कर रहे हैं, देखो लोड की तरफ का वोल्टेज को क्या माने हैं, वी माने हैं, और लोड करंट क्या है, आईएल है, ये इक्वल टू वी आई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आई मान चुके थे, यहाँ आई मान चुके हैं, तो वी आई लिख सकते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला अब हम लोग को इसमें जरूरत होगा, आई ए इक्वल टू आई एल, हम फिर से सेम चीज को लिख रहे हैं, V इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए, पावर जनरेटेड इक्वल टू ई जी आई, पावर डिलीवर जो लोड की ओर है वी आई। ये चार फॉर्मूला इसमें याद रखना होगा, इससे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। चारों का डेरिवेशन समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है? आगे अच्छी तरह से नहीं हुआ सर। मान लो ये आर्मेचर रेसिस्टेंस है, ठीक है, आर्मेचर रेसिस्टेंस का वैल्यू 0.2 है इसमें कर, और जो IA आर्मेचर रेसिस्टेंस 5 एम्पियर है, ठीक है, हम यहाँ ईजी जनरेट करते हैं 120 वोल्ट मान लो, तो यहाँ पे IA इसमें तो कुछ तो ड्रॉप होगा आर्मेचर रेसिस्टेंस में। आर्मेचर रेसिस्टेंस में ड्रॉप होगा, क्या वैल्यू होगा 5 × 0.2, क्या वैल्यू होता है जल्दी से बोलो। यहाँ 1.4 वोल्ट होगा, तो 1 आर्मेचर के रेसिस्टेंस में ही ड्रॉप हो गया, तो ये जो ड्रॉप 1 वोल्ट हो रहा है किससे हो रहा है, इस जो जनरेट के इसी वैल्यू से होगा ना। तो आर्मेचर में जब 1 वोल्ट हम छोड़ दिए तो 120 माइनस 1 इक्वल टू 119, तो 119 वोल्ट कहाँ मिलेगा, इसके अक्रॉस मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखे, ईजी जो टोटल जनरेटेड माइनस आईआर जो इस रेसिस्टेंस में ड्रॉप हुआ इक्वल टू जो बचा हुआ वी के बराबर होगा, तो यही फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वी इक्वल टू ईजी माइनस आईआर, टोटल जितना जनरेट किए और कितना आर्मेचर में हमारा लॉस हो गया, तो मान लो जनरेटेड माइनस लॉस इक्वल टू आउटपुट मिलेगा। क्लियर नहीं हो पा रहा सर, फिर से समझाइए। फिर से समझाइए, इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? बोलो, इक्वेशन लिखेंगे सर, वी इक्वल टू आई, वी वी इक्वल टू आई आर, यही लिखते हैं। यस सर। तो यहाँ वी से माइनस क्यों किए, आई आर से माइनस क्यों किए हम लोग, क्या रीजन है? अगर हमको इसके अक्रॉस भी हमको फाइंड करना है, मान लो यहाँ पे भी फाइंड करना है, तो ये माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस रेसिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। यस सर।
ये जो ड्रॉप होगा ये किससे माइनस होगा, ये जो मेरा वी माइनस आई ए आर ए वाला किससे माइनस होगा, किस वोल्टेज से माइनस होगा? मान लो ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, ये 4 निकल रहा, 12 माइनस 4 तो हम लोग सीधा यहाँ पे बोलेंगे 8 वोल्ट इसके अक्रॉस मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या दिक्कत हो रहा है कि जैसे अगर मेरा ये आर्मेचर है, इसमें रेसिस्टेंस है, यहाँ हमारा जो भी अब ईजी यहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मान लो आई आर ए ड्रॉप हो रहा है, तो क्या करेंगे, ईजी माइनस आई आर ए करेंगे? यस सर। और उसके अक्रॉस भी मिलेगा, तो भी इक्वल टू ईजी माइनस आर, ईजी माइनस आई आर ए इक्वल टू भी होगा? यस सर। अभी भी दिक्कत है? यस सर। नहीं सर, दिक्कत नहीं। नो, चलो अब क्लियर हो गया। यस सर। ठीक, तो आगे बढ़े सर। अब है हमारा सेल्फ एक्साइटेड एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देखो जनरेटर में क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहने का मतलब है कि जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो जनरेटर से खुद कनेक्टेड, मतलब उसके आर्मेचर से हमेशा कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग एक एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल डीसी सोर्स दिए थे ये ना देके हम लोग आर्मेचर और फील्ड का एक साथ कनेक्शन करेंगे। आर्मेचर में हमेशा कुछ फ्लक्स रहता है, रेसिडुअल फ्लक्स हमेशा आर्मेचर में प्रेजेंट होता है पोल पे मशीन का। तो जब मशीन अगर रोटेट करना होता है, जब मशीन रोटेट करता है तो एक स्मॉल वोल्टेज, बहुत छोटा अमाउंट का वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, और ये धीरे धीरे करके वोल्टेज डेवलप करता है। कैसे करता है, वोल्टेज डेवलपमेंट वाला आगे पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। तो अभी बस ये याद रखना कि आर्मेचर जो हमारा होता है उसमें हमेशा थोड़ा सा कुछ रेसिडुअल फ्लक्स होता है। रेसिडुअल फ्लक्स मतलब बचा हुआ फ्लक्स, जब मोटर बंद भी हो जाता है तो उसमें कुछ फ्लक्स हमेशा वो रहता है, उसको हम लोग रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं उसके पोल पे आर्मेचर के। तो ऑलवेज वहां पे, सॉरी फील्ड के, तो फील्ड के पोल में हमेशा कुछ फ्लक्स बचा हुआ रहता है। तो जब मोटर हमारा रोटेट कर, जनरेटर रोटेट करता है तो फ्लक्स को कट करता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इतना याद रहेगा सभी को? यस। तो इसमें पहला जो हमारा है सीरीज वाउंड जनरेटर, सीरीज वाउंड जनरेटर में क्या है, ठीक है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या है। सेल्फ एक्साइटेड में कुछ रेसिडुअल फ्लक्स हमेशा प्रेजेंट होता है मशीन के पोल में। तो जब आर्मेचर रोटेट करता है तो स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, ठीक है, और ये जो वोल्टेज है ये फिर हमारा धीरे धीरे डेवलप होता है और वोल्टेज इंक्रीज होता है। क्लियर है? तो पहला हमारा सीरीज वाउंड, सीरीज वाउंड में सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक कनेक्ट होना। तो यहाँ हम किसके किसके वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, फील्ड और, फील्ड और आर्मेचर, आर्मेचर इसी के कनेक्शन से बता रहे हैं। तो अगर हम इसको एक के बाद एक, जैसे ये मेरा अब हो गया, ये क्या बनाए हैं, हम अभी बना रहे हैं, ये किसका सिंबल है, आर्मेचर, याद रख, आर्मेचर। एक सीरीज में हम अगर फील्ड लगाते हैं, सीरीज में लग गया? यस सर। सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट। बहुत बढ़िया, ये मेरा V है, ये मेरा होगा यहाँ EG, ये हो गया। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, हम इसके पहले जो पढ़ाएं अभी तुम्हारा क्या क्या बताएं कि यहाँ पे आर्मेचर में भी रेसिस्टेंस होता है, आर्मेचर में भी रेजिस्टेंस होगा और फील्ड में भी रेजिस्टेंस होगा, होगा ना सर? Yes, तो अब देखो यहाँ जो मेरा आर्मेचर में करंट फ्लो कर रहा है सेम करंट फील्ड में कर रहा है, सेम करंट लोड में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई ए सीरीज है, आई एस ई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कह दिए। V में देखो, ये जो V across है तो यहाँ पे V जो हमारा यहाँ V टर्मिनल है, तो V इक्वल टू क्या होगा उसको देखो पहले, V इक्वल टू जनरेटेड EG माइनस IARA। इसमें कहीं दिक्कत है किसी को?
इसके अक्रॉस हम आ गए। अब यहाँ पे सीरीज में भी तो, सीरीज में भी तो एक रेसिस्टेंस है। सीरीज में भी तो एक रेसिस्टेंस है, आर्मेचर वाला रेसिस्टेंस सर, सीरीज में ये आईए आ रहे तो आर्मेचर रेसिस्टेंस हो गया, आईए आ रहे आर्मेचर रेसिस्टेंस, लेकिन सीरीज का एक सीरीज का भी तो रेसिस्टेंस है। तो हम यहां करेंगे इसको एक तरह से माइनस आई ए आर एस ई, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई जी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सीरीज, ठीक है, ये हो सकता है, इसमें कहीं दिक्कत? देखो क्यों यहाँ हम आर्मेचर और सीरीज दो, हमारा दो वाइंडिंग यहाँ लगाए ना, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग ऑलरेडी है जो कि हम लोग पहले सीख चुके थे यहाँ पे, और यहाँ पे एक नया वाइंडिंग इंट्रोड्यूस हुआ है ये, तो इसमें भी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई ए आर एस सी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये भी तो माइनस होगा, तब ना इसके अक्रॉस भी बचेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, पावर जनरेटेड सेम हो जाएगा, ई जी आई पावर डिलीवर्ड वी आई, ठीक है, इतना याद रहेगा। समझ में आया ये वाला, या दिक्कत है इसमें, ये बोलो, सीरीज समझ में आया? समझ गया सर, बढ़िया से, यस सर, यस सर। आज के क्लास में यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे संट और कंपाउंड क्या होता है, कनेक्शन कैसे होता है।